हाय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। हर्ष बता दीजिए आज हम कहाँ पे आए हैं। तो प्रतीक आज हम आए हैं कोयली एरिया में, जो करीबन गोरवा से हम देखें तो उसका डिस्टेंस 5 से 5 किलोमीटर मैक्सिमम आपको मिलेगा, और आप गोत्री से भी आओगे तो भी आपको इक्वी डिस्टेंट पे ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। और जैसे आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, रेस्टोरेंट का नाम है शेफ्स फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है। सो कोयली एरिया में प्रतीक, शायद हमने रास्ते में और तो कोई रेस्टोरेंट देखा नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, तो इनका ये मोटो ही यही था कि यहाँ के लोगों को, जैसे इनको दूर जाना पड़ता है सिटी में खाने के लिए, जाना पड़ता है अच्छी चीज़ें खाने के लिए, तो इनका मोटो ही यही है कि यहाँ पे भी अच्छी ये चीज़ें मिले खाने की, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे चालू किया है शेफ्स। लस्सी की ब्रांड में आपको लारी लप्पा लस्सी मिल जाएगी, जो आपको सिटी का स्वाद यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इतना दूर आके वो भी। यस, तो हर्ष, हम ऑनर से बात करेंगे इस रेस्टोरेंट के, और उनसे बात करके आपको बताएंगे कि इनका यहाँ का प्रॉपर लोकेशन एड्रेस हम आपको बता देंगे, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, टाइमिंग बता देंगे। तो नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये उन्हीं का रेस्टोरेंट है। मैडम जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नेहल चिराग पंड्या है। ओके। और ये शेफ्स रेस्टोरेंट हमारा यहाँ गोकुलधाम सिग्नेचर करके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वो अभी हमारा ही है। ओके। उसके ग्राउंड फ्लोर पे हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। ओके। तो मैडम जी, पहले तो हमें बताइए कि ये स्टार्ट करने का आपके पीछे क्या है, कि आपने यहाँ पे इतने दूर क्यों स्टार्ट किया? हाँ, सबसे पहले तो ये कि यहाँ के नज़दीक में ऐसे अच्छी कोई रेस्टोरेंट थी नहीं, और हमारा मेन मोटो वही था कि यहाँ के लोग को हमारी स्कीम के और दूसरे सभी लोगों को नज़दीक में अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ फूड विथ वेरी अफोर्डेबल रेट्स में मिले। तो दोस्तों, जैसे ये मैडम ने हमें बताया था कि आप पार्किंग स्पेस देखोगे बाहर, सो एम्पल पार्किंग स्पेस आपको ये रेस्टोरेंट के बाहर मिलेगा, जो आपको सिटी एरिया में कोई भी रेस्टोरेंट के पास जाओगे तो आपको सिटी एरिया में वो स्पेस नहीं मिल पाता। मतलब अगर आप शहर से थोड़ा बाहर रह रहे हो तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो मैडम, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये कब स्टार्ट किया था आपने रेस्टोरेंट? अभी 2 ही महीने हुए, 28 अक्टूबर 2021 में शुरू किया है। सो आपने जो 2 महीने में आपका कस्टमर बेस आया है, तो उसमें कौन सी डिमांड ज़्यादा रहती है खाने में, पंजाबी या चाइनीज? पंजाबी ज़्यादा रहती है। पंजाबी, चाइनीज भी अच्छा है, मगर ज़्यादा पंजाबी में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों, यहाँ पे ये लोग गुजराती भी स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, कोम्बो यानी थाली है उनकी गुजराती, वो भी स्टार्ट करने वाले। तो मैडम, यहाँ की आप बेस डिशेस जो है वो हमें बता दीजिए क्या क्या है। चीज लजीज है, पनीर पटियाला है, पनीर में पनीर जायका है, फिर काजू बटर मसाला है। तो बहुत सारे डिशेस उन्होंने बता दिया आपको, तो उनके स्पेशल स्टार्टर्स में भी पनीर अफगानी टिक्का है, फिर यहाँ पनीर पापड़ी है। बरोबर। तो उनमें से कुछ डिशेस हम लोग ऑर्डर करेंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे। और आप यहाँ पे आप मेनू तो देख ही सकते हो जैसे स्टार्टिंग में, कि डिज़ाइन तो बहुत ही बढ़िया किया है उन्होंने मेनू, और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है यहाँ। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह भी हमने ये बच्चों के लिए भी पिज़्ज़ाज वगैरह यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको प्योर वेज खाना मिलेगा। जैन फूड भी अवेलेबल है। हमारे साथ यहाँ सुहाग जी भी है जो इस रेस्टोरेंट के वर्किंग पार्टनर है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैडम यहाँ पे टाइमिंग और कैसे रहता है रेस्टोरेंट यहाँ हमारा क्या है। सुबह 11 से लेके आपको 11 बजे तक का टाइमिंग रहता है। लेकिन अभी क्या है, कोविड की वजह से उसमें टाइम में कुछ वेरिएशन आ सकता है। इसके लिए हम लोगों ने टेक अवे भी रखा है। ताकि क्या है, यहाँ के पब्लिक अगर रेस्टोरेंट में आना ना चाहे और ऑर्डर भी करते हैं, तो हम उनको घर पे भी ये सर्विस दे सके। सो वो कितने मतलब किलोमीटर तक आप सर्विस? 6 से 7 किलोमीटर तक राउंड। ओके। और आपका अभी कुछ ऐसा है कि जोमेटो या स्विगी पे आपको? उस पर हमने डाला है, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि गेस्ट हमारे यहाँ आए और हमारे एम्बिशन का वो लुफ्त उठा सके, ठीक है। हम लोग भी गेस्ट को पर्सनली टच दे सके और हम भी जान सके और उनको भी ऐसा लगे कि हम हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं। सही बात। और दोस्तों, वो जाके और 2 लोगों को बोलेंगे तो वो लोग भी यहाँ पे आके टेस्ट करेंगे। और गुज्जू चटाको को मत भूलिएगा प्लीज। हाँ, गुज्जू चटाको को मत भूलिएगा। आप एक बार गुज्जू चटाको के और से बोल दीजिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, गुज्जू चटाको भी आप सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दीजिए।
तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे उन्होंने सब्जी है, मेन कोर्स में है, स्टार्टर्स में है, अभी तो और भी आ रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो और ये इस मिंट की चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया। जैसे इन्होंने बताया कि लहसुन या पनीर, तो पहले ही स्वाद जो आया है वो लहसुन का आया है, बहुत बढ़िया। तो अगर ठंडी में अगर आप ये खाओगे लहसुन या पनीर तो बहुत मजा आ जाएगा। पनीर टिक्का टेस्ट करते हैं दोस्तों। सॉरी चम्मच और ये मुझे ज़्यादा नहीं जमेगा, मैं ऐसे ही टेस्ट करता हूँ। पनीर टिक्का है, नाम तो सबने सुना ही होगा ये डिश का। परफेक्ट स्पाइस, ज़्यादा उसको तंदूर में ज़्यादा देर तक नहीं रखा है, जितना रखना चाहिए तो उतना ही रखा है, आप देख सकते हो। इसकी बॉर्डर पे ही आपको तंदूर का पूरा जला हुआ पार्टी का, लेकिन अंदर से पूरा पनीर सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो दोनों जो पनीर के डिशेस है, बाहर से थोड़ा आपको क्रिस्पी लगेगा तंदूर की वजह से, लेकिन अंदर से पूरा सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे देख सकते हो मंचूरियन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है मंचूरियन। दोस्तों किचन में बोला गया था हमें कि इसमें अजिनोमोटो जो होता है इंग्रेडिएंट, नॉर्मली चाइनीज में टेस्ट के लिए डालते हैं, वो इसमें नहीं डाला गया है, और इसके बावजूद भी प्रतीक उसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। बड़े मेन कोर्स की तरफ, मेन कोर्स की आगे बढ़ते हैं। में लच्छा पराठा है, और ये भूल गए, ये भूल गए, यस ये भूल गए, ये है रुमाली परोठा। तो आज लच्छा पराठा ना लेते हुए हम लोग रुमाली परोठा से स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा क्रिस्पीनेस है, बहुत ही बढ़िया है पराठा, और मैं इसके साथ ट्राई करूँगा। ये देखिए पनीर, अंदर पनीर का छीना हुआ पनीर है, और बनाते कैसे वो तो हमने आपको बता ही दिया, अभी टेस्ट की बारी है। वाह हर्ष बहुत बढ़िया है, जो ग्रेवी है उसमें क्रीम, उन्होंने क्रीम मिलाया है, चीज डाला हुआ है। ये जो इन्होंने बनाया हुआ है वो हमने आपको बनाते हुए दिखाया है कि ये जो पापड़ के अंदर उन्होंने पनीर का पूरा स्टफिंग है, स्टफिंग है पापड़ में रोल करके, रोल कर फिर वो पापड़ को पूरा फ्राई किया गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये है शाही पनीर, शाही पनीर कुरमा, शाही पनीर कुरमा सब्जी है, उसका पूरा आई गेस स्पिनेच का बेस है, यस, इसीलिए ग्रीन कलर की आपको उसकी ग्रेवी दिख रही है, और ये ऊपर से आप देख सकते हो चीज, ग्रेटेड चीज डाला हुआ है उन्होंने। देखते हैं ट्राई करके कैसा है उसका। ये हर्ष कुलचा आपने लिया है, कुलचा है क्या? यस कुलचा है। ओके दोस्तों, इसको तंदूरी कुलचे के साथ ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है। ये पनीर का पीस आपका, इसके ऊपर ये ग्रेवी, बोलो यार हर्ष कुछ बोलो तो सही, बहुत क्रीमी टेक्सचर है, चीज और पनीर तो है ही, लेकिन स्पिनच की जो बेस ग्रेवी है उसकी वजह से स्पिनच का भी हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है सब्जी, जिसको स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आप ये सब्जी के लिए श्योरली जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रेवी और ये ग्रेवी सेम है। हाँ नॉर्मली आप पंजाबी खाने जाओगे तो सारे सब्जियों की ग्रेवी सेम ही मिलेगी, लेकिन ये पूरा डिफरेंट है, आपको टेस्ट वाइज भी डिफरेंट मिल रहा है, और आप ग्रेवी का कलर भी देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है। काजू मसाला तो यहाँ पे आप फूल देख सकते हो, ये उन्होंने गार्निश भी बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है, टमाटर है यहाँ पे, काजू डाले हुए ऊपर,
ऑफ कोर्स काजू की सब्जी, तो काजू डाले हुए। और दोस्तों ये हम आए हैं शूटिंग के लिए, इसीलिए उन्होंने किया है, ऐसे नहीं किया है, रेगुलर उनका सब्जियों का प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहता है, ऐसे ही है। अब जब भी आओगे आपको इसी तरह से सर्व किया जाएगा। तो ये पहले मैं फूल को निकाल देता हूँ, और ये देखिए और इसको मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ। मुझे लगता है रुमाली परोठा पसंद आ गया। मुझे रुमाली, मैं पहली बार रुमाली परोठा खा रहा हूँ आज, तो हर सब्जी के साथ आप वही खा रहे हो। यस यस यस, ये देखिए तो मुझे लग रहा है कलर वाइज ये सबसे ज्यादा स्पाइसी होगी तीनों सब्जियों। मैं आपको वही बताने वाला था, नॉर्मली काजू की सब्जी हम कहीं पे जाते हैं तो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, कि क्योंकि काजू खुद उसमें मिठास होती है, काजू में थोड़ा मिठास रहता है, लेकिन उन्होंने ये सब्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस किया हुआ है कि उसका मीठापन ज़्यादा आपको सब्जी में ना आए, तो थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा नॉर्मली, यानी वो खाने में वो स्पाइस अच्छा है इसके लिए वो है। और प्रतीक हमें बताया था उन्होंने यहाँ पे थाली भी, पंजाबी थाली, फिक्स थाली भी मिलती है, मिलती है लंच और डिनर दोनों के लिए। तो हमारे साथ है यहाँ के कस्टमर जो यहाँ पे रेगुलर आते हैं, यानी दो महीनों में करीबन उन्होंने 8 से 9 बार यहाँ पे विजिट किए, तो उनसे ही हम रिव्यू जानते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? उपेंद्र पटेल। ओके, तो उपेंद्र जी आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि यहाँ का खाना कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है फूड। ओके, और मैं यहाँ से हमारा जो ऑफिस का स्टाफ है ये सब लोग सब आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। तो आप रिकमेंड कर सकते हो कि यहाँ पे जरूर आए? नहीं बिल्कुल, एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार आएगा तो बार बार आएगा। संदीप जी आइए। संदीप जी, दोस्तों ये हमारे दोस्त है संदीप जी, रेगुलर जो हमारे व्लॉग्स है वो फॉलो करते हैं, वो एक भी व्लॉग उन्होंने हमारा छोड़ा नहीं, और हम जहां पे भी जाते हैं टेस्ट करने उसके तुरंत अगले सैटरडे संडे में प्लान करके वो वहां जगह पे पहुंच जाते हैं, और हमको वहां के ऑनर का भी फोन आता है कि भाई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं आपके व्लॉग देख के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा चैनल है प्रतीक भाई और हर्ष भाई, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब बड़े से बड़े वेंचर से लेके छोटे से छोटे वेंचर आप लोगों ने कवर किया है। हाँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब हम लोग को बड़ौदा के क्या क्या क्यूसाइंस है वो हमको पता चलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग भेजते हैं। और बस, दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है शेफ साजम आए, वो भी हमें संदीप जी ने रिकमेंड किया था, और रिकमेंड ऐसे ही नहीं किया क्योंकि वो यहाँ रह रहे, वो यहाँ के पहले खा चुके हैं, उनको टेस्ट पसंद आया, इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि आप यहाँ के भी एक बार शूट कीजिए और लोगों तक उसका फ्लेवर पहुंचाए। नहीं, आप आइए यहाँ पे, और हम कह रहे इसलिए मत आइए, आप आके यहाँ टेस्ट कीजिए बस, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको टेस्ट कैसा लगा उसका। और गुज्जू चटाको को आप फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको वहां पे लिंक मिल ही जाएगा हमारा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें आपको जरूर बताइए हमें कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, और आप रिकमेंड करते ही जाइएगा। ओमिक्रॉन के अभी केसेस वापस बढ़ते जा रहे हैं, कोविड का खतरा वापस बढ़ता जा रहा है, तो आप मास्क पहनना शुरू कीजिए अगर नहीं पहन रहे हो तो, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, ज्यादा किसी के कॉन्टेक्ट में बिना जरूर के मत जाइए, घर से बाहर नहीं निकलने जरूरी है तो मत निकलना। सही बात है। बाय।